नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है 11204 जयपुर नागपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, और इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें भेजी है मामराज जांगिड़ ने। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्रेन नंबर 11204 जयपुर नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का संचालन मध्य रेलवे करता है और यह एक्सप्रेस टाइप की साप्ताहिक ट्रेन है। अगर बात करें इसके ट्रेवल टाइम की तो जयपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक की कुल यात्रा 1347 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 26 घंटा और 45 मिनट में कवर करती है, और इस ट्रेन की अधिकतम स्वीकृत स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें इसके लोकोमोटिव की तो जयपुर जंक्शन से कोटा जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP-4D या रतलाम लोको शेड का WDM-3A या WDM-3A डीजल 3D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं कोटा जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक अंजनी लोको शेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। अगर बात करें इस ट्रेन में कोच की तो इस ट्रेन में LHB कोच है, जिनका जयपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक का किराया सेकंड एसी का किराया 2175 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1490 रुपये और स्लीपर क्लास का किराया 550 रुपये है, और वहीं जनरल क्लास का किराया 310 रुपये है। यह किराया जयपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक का है और इसमें GST व रिजर्वेशन चार्ज शामिल हैं, लेकिन फिर भी इस किराए में बदलाव हो सकता है, इसलिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म है उसे कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जयपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव है और वहाँ इसका टाइम टेबल क्या है। इस ट्रेन का जयपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन के बीच 26 स्टेशनों पर ठहराव है। ट्रेन नंबर 11204 जयपुर नागपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन हर शुक्रवार को जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शाम 4:30 पर रवाना होती है, और जयपुर से रवाना होने के बाद पहुंचती है कनकपुरा शाम 4:39 पर, और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:41 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है आसलपुर जोबनेर शाम 5:01 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है फुलेरा जंक्शन शाम 5:20 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है किशनगढ़ शाम 5:59 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अजमेर जंक्शन शाम 7 बजे, और 25 मिनट ठहराव के बाद 7:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है नसीराबाद 7:47 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:49 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है विजयनगर रात 8:21 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है भीलवाड़ा रात 9:30 पे, और 5 मिनट ठहराव के बाद 9:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है चित्तौड़गढ़ जंक्शन रात 11 बजे और 20 मिनट ठहराव के बाद 11:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मांडलगढ़ रात 12:14 पे, और 1 मिनट ठहराव के बाद 12:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बूंदी रात 1:14 पे, और 1 मिनट ठहराव के बाद 1:15 पे बूंदी से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कोटा जंक्शन रात 2:40 पे, और 5 मिनट ठहराव के बाद 2:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रामगंज मंडी जंक्शन 3:43 पे, और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन सुबह 6:20 पे, और 30 मिनट ठहराव के बाद 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन 7:50 पे, और 5 मिनट ठहराव के बाद 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बेरछा
8:54 पे 2 मिनट ठहराव के बाद 8:56 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है सुजलापुर 9:42 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है सीहोर 10:17 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:19 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है भोपाल जंक्शन 11:35 पे और 10 मिनट ठहराव के बाद 11:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है हबीबगंज 11:57 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:59 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन दोपहर 1:35 पे और 10 मिनट ठहराव के बाद 1:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है बैतूल दोपहर 3:38 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 3:39 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मुलताई शाम 4:19 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 4:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पांढुरना शाम 5:07 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:09 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है नरखेड़ शाम 5:24 पे, नरखेड़ जंक्शन शाम 5:24 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन कटोल शाम 5:46 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज नागपुर शाम 7:15 पे और यहाँ तक अपनी 1,347 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती। तो दोस्तों यह थी 11204 जयपुर नागपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।